गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हमारा चैप्टर रहेगा कैपिटल गेन्स का। हिंदी में हम इसे कहेंगे पूंजी लाभ। यहाँ पे आप दो शब्द देख सकते हैं, कैपिटल और गेन्स। गेन्स मतलब प्रॉफिट्स या इनकम, और कैपिटल का मतलब यहाँ पर कैपिटल एसेट्स से है। ठीक है, कैपिटल का मतलब यहाँ कैपिटल एसेट्स से है, तो हमें कई चीज़ों का पता लगाना होगा। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कैपिटल गेन का चार्ज बेस क्या है, मतलब किस बेस पर ये चार्ज किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, कैपिटल गेन या इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एक्चुअली एक हेड है हमारे इनकम टैक्स का, जिसमें इनकम के पांच हेड होते हैं, तो ये फोर्थ नंबर पे आता है कैपिटल गेन, राइट। अब इसके लिए हमारे को तीन चीज़ें मेन समझनी होंगी। सबसे पहले है हमारा कैपिटल एसेट, कि कैपिटल एसेट्स कौन कौन सी होती हैं और किस तरीके की हैं और उसमें क्या क्या शामिल किया जाता है। सेकेंड नंबर पे आएगा ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट्स, कि कैपिटल एसेट्स के ट्रांसफ़र का मतलब क्या है हमारे लिए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कैपिटल एसेट्स का मतलब समझेंगे, मीनिंग समझेंगे, उसके बाद हम उसके ट्रांसफ़र के बारे में बात करेंगे, और थर्ड नंबर पे आएगा कैपिटल गेन को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अब इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे कैपिटल एसेट का मतलब समझेंगे। कैपिटल एसेट्स का मतलब क्या होता है, कोई भी प्रॉपर्टी आपके पास हो, लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, ज्वेलरी, ठीक है, और जो भी आप लोग सोचते आ रहे हैं, अकाउंट्स में देखा है आपने, बिल्डिंग है, हमारे पास शेयर्स हैं, हमारे पास लाइसेंस है, हमारे पास कुछ राइट्स हैं, ठीक है, पर्टिकुलर बिजनेस करने का जो राइट होता है वो भी हम एसेट की तरह यहाँ पर बेच और ख़रीद सकते हैं। लाइसेंस भी हम ऐसे कैपिटल एसेट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। सिक्योरिटीज़ हैं, सिक्योरिटीज़ जैसे शेयर्स हैं, डिवेंचर्स हैं, उन्हें भी हम कैपिटल एसेट मान सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी आपको एसेट्स देखने को मिलेंगी, या प्रॉपर्टी भी आप इसको बोल सकते हो। कैपिटल एसेट में प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मतलब वही चीज़ है कि जो मैं अभी अभी बता रही थी, कि कोई भी राइट, किसी भी अधिकार को भी आप, किसी अधिकार को आप प्रॉपर्टी मानते हैं या राइट मानते हैं, और उसको हम एसेट्स में इंक्लूड करते हैं। मान लीजिए किसी चीज़ के ऊपर आपका कंट्रोल है, किसी चीज़ का आपके पास पेटेंट है, किसी चीज़ का आपके पास लाइसेंस है, किसी को मैनेज करने का राइट है, वो भी आप प्रॉपर्टी या एसेट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस बात के कुछ अपवाद भी हैं कि कैपिटल एसेट्स में हम क्या क्या इंक्लूड नहीं करते, ये ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले हमारे पास हैं कमर्शियल गुड्स। कमर्शियल गुड्स का मतलब यहाँ पर उन गुड्स से है जिनका हम व्यापार करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो फर्नीचर हमारे शोरूम में, ऑफिस में रखा है, जिस पर हम गेस्ट आता है या कस्टमर आता है तो उसको वहाँ बिठाते हैं, वो हमारे लिए एसेट हो सकती है। लेकिन अगर हमारा शोरूम ही फर्नीचर का है और हमारा काम ही फर्नीचर बेचने का है, तो जो चेयर्स, जो फर्नीचर हमारा बेचने के लिए रखा गया है, वो हमारे लिए गुड्स हैं जिसका हम व्यापार करते हैं, तो वो कमर्शियल गुड्स कहलाई जाएंगी, वो एसेट नहीं कहलाई जाएगी, इसलिए उसको हम कैपिटल गेन के लिए इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, दूसरे नंबर पर आ रहा है हमारा मूवेबल एसेट्स फॉर पर्सनल यूज़। ऐसी सारी एसेट्स जो हमारे पर्सनल यूज़ की हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या शामिल है, इसमें हमारा शामिल है जैसे हम अपने घर पे क्या इस्तेमाल करते हैं, पहनने के कपड़े एंड फर्नीचर, राइट, और ज्वेलरी है हमारे पास, हमारे घर में फ्रिज है, हमारे पास टीवी है, हमारी गाड़ी है, राइट, ये सारी हमारे, और हमारे घर में इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस हैं, फ़ैन हैं, कूलर हैं, ये सारी एसेट्स हैं। है तो देखो एसेट्स ही, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कैपिटल एसेट्स हम इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको नहीं मानेंगे। ठीक है, ओके जी। अब इसका भी एक्सेप्शन है, इसका भी एक्सेप्शन। अब देखो, एक तो एक्सेप्शन था कि कैपिटल एसेट में ये चीज़ें शामिल नहीं करेंगे, लेकिन ये जो मूवेबल एसेट की हम बात करते हैं ना, इस मूवेबल एसेट का भी एक्सेप्शन है। वो कह रहा है कि इन एसेट्स को हम पर्सनल चीज़ें नहीं मानते हैं, एंड उसके ऊपर टैक्स लग सकता है, मतलब उनको कैपिटल एसेट मान सकते हैं। फिर से बता रही हूँ, मूवेबल एसेट्स जो पर्सनल यूज़ की हैं उसके भी कुछ एक्सेप्शन है, यानी कि उनको कैपिटल एसेट माना जा सकता है। वो क्या क्या हैं, जैसे आर्कियोलॉजिकल कनेक्शन, कई बार लोगों को कॉइन्स इकट्ठी करने का शौक़ होता है, कई बार पेंटिंग्स, कई एंटीक चीज़ें आपको कलेक्ट करने का शौक़ होता है, तो अगर आपके पास ऐसा कोई कलेक्शन है, राइट, वो
ड्राइंग्स हैं, पेंटिंग्स हैं, स्कल्पचर्स हैं, आपके पास कोई भी ऐसा आर्ट का वर्क है, ज्वेलरी है पर्सनल यूज़ की। अभी आप देखिए यहाँ पे ऊपर वाले कैटेगरी में ज्वेलरी का कहीं जिक्र नहीं है, और मैं अगर थोड़ा ऊपर जाऊँगी तो यहाँ ज्वेलरी है, तो कैपिटल एसेट में ज्वेलरी आती है। यहाँ पर हमने जब पर्सनल देखा तो पर्सनल में ज्वेलरी कहीं नहीं थी, क्योंकि वो एक्सेप्शनल में आ गई, यानी कि ज्वेलरी को भी कैपिटल एसेट मानेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। अब ज्वेलरी में क्या क्या शामिल है, ज्वेलरी में जैसे जितने भी गहने हैं, बिस्किट की फॉर्म में हैं, प्रीशियस स्टोन्स हैं, ठीक है, सिल्वर है, प्लैटिनम है, ये सारे जो भी मेटल की जो हम ज्वेलरी बनवाते हैं, ऑर्नामेंट्स जिसको आप गहने कह सकते हो, बनवाते हैं, ठीक है जी। कभी कभी तो ऐसा होता है कि कई लोग इतने जैसे रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके तो कपड़ों में जो बटन हैं वो भी गोल्ड के हो सकते हैं, वो भी सिल्वर के हो सकते हैं, वो भी ज्वेलरी में काउंट होंगे, राइट। सो जितनी भी एंटीक चीज़ें हैं और आपके पर्सनल यूज़ की जो ज्वेलरी है वो कैपिटल एसेट की तरह ट्रीट की जाएगी, ओके। उनको पर्सनल इफेक्ट, देखो है तो पर्सनल एसेट पर, लेकिन उसको हम यहाँ पर कैपिटल गेन के लिए एक तरह से एलिजिबल मानेंगे। नेक्स्ट आ रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं एक एग्रीकल्चरल लैंड की। फिर से मैं एक बार आपको क्लियर कर लूँ, सबसे पहले हमने बात की है कैपिटल एसेट क्या होती है, उसके एक्सेप्शन में आ रहा है, एक तो गुड्स कैपिटल एसेट नहीं है, मूवेबल एसेट कैपिटल नहीं है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन थे वो मैंने आपको बता दिए। अब दो पॉइंट ये वाले हमारे हो गए, तीसरे पॉइंट पे आ रहे हैं जो एक्सेप्शन थे, मतलब कि ये कैपिटल एसेट नहीं है, जैसे एग्रीकल्चरल लैंड है। एग्रीकल्चरल लैंड के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, एग्रीकल्चरल इनकम के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, हमें ये पता है कि हमारी एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स फ्री होती है ना इंडिया में। लेकिन अगर हमारे यहाँ पर इंडिया में एग्रीकल्चरल लैंड है उसको हम सेल परचेज करते हैं, वो तो कैपिटल एसेट्स है, तो कैपिटल एसेट ना हो, तो कैपिटल एसेट की तरह ट्रीट करना है या नहीं करना है, सवाल वो है। उसके लिए देखो दो पॉइंट्स दे रखे हैं, ऐसी एग्रीकल्चरल लैंड जो अगर इस एरिया में एस्टेब्लिश है तो कैपिटल एसेट की कैटेगरी के बाहर है, वरना नहीं है। मतलब कहने का ये है कि ऐसी एग्रीकल्चरल लैंड, या आपको मोटे तौर पे बता देती हूँ, ऐसी जगह जहाँ पर 10,000 या उससे ज़्यादा की पॉपुलेशन है उस लोकेलिटी में नहीं है। फिर से बता रही हूँ, ऐसा एग्रीकल्चरल लैंड जो 10,000 या उससे ज़्यादा पॉपुलेशन वाले एरिया की लिमिट के बाहर है, नंबर एक। नंबर दो में तीन पॉइंट बता रखे हैं, यानी कि बी में तीन पॉइंट बता रखे हैं, और मैंने आपको समझाने के लिए ये कर रखा है। एक तो मैंने बोला 10,000 की पॉपुलेशन में नहीं होनी चाहिए, या 10,000 और 1,00,000 की जो पॉपुलेशन है, मान लो कोई शहर है जिसमें 1,00,000 तक के लोग रहते हैं, 1,00,000 संख्या है लोगों की, वहाँ की लोकेशन जो है ना उसकी, उस शहर की लोकेशन के 2 किलोमीटर की रेंज में नहीं होनी चाहिए, और जहाँ जनसंख्या हमारी 1,00,000 से 10,00,000 के बीच में है उसकी 6 किलोमीटर की रेंज में नहीं होनी चाहिए, और अगर ऐसी जनसंख्या जहाँ 10,00,000 से ज़्यादा है वहाँ उसकी 8 किलोमीटर की रेंज में नहीं होनी चाहिए। फिर से बता रही हूँ, अगर ये इस रेंज में है तो कैपिटल एसेट मानेंगे, अगर इस रेंज में नहीं है कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे, इसलिए उसको हम कैपिटल गेन के लिए एलिजिबल नहीं समझेंगे, ठीक है जी। फिर आ रहा है चौथा एक्सेप्शन, दैट इज़ गोल्ड बॉन्ड्स। बॉन्ड्स इज़ जस्ट लाइक अ सिक्योरिटी, और गोल्ड बॉन्ड्स एक नाम है, 6.5% गोल्ड बॉन्ड्स, ये ना आपको बताया गया होगा क्वेश्चन में, लेकिन आपको थोड़ा सा लर्न भी करना पड़ेगा कि कौन से वाले गोल्ड बॉन्ड्स हैं जो कैपिटल एसेट नहीं माने जाते। 6.5% गोल्ड बॉन्ड्स, 1977 में इस तरीके के सिक्योरिटीज इशू होना स्टार्ट हुआ था, 7% गोल्ड बॉन्ड्स एंड 1980, 2 मिनट का वेट कीजिए।